पॉलिटी की क्लास में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था संविधान की विशेषताएं। उसका कुछ प्रश्न बाकी रह गया था जो कि आज के इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट को आप सभी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी कह रहा है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान के वृहद होने का यह कारण हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, बी कह रहा है 20 वर्ष, सी कह रहा है 21 वर्ष और डी कह रहा है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष होनी चाहिए भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। संघीय राज्य को संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ, यानी भारत के संविधान में ये जो संघीय शब्द है इसकी जगह पर किन शब्दों का मतलब किन शब्दों को स्थान दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संघीय राज्य, बी कह रहा है संघों का राज्य, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राज्यों का संघ या डी इकाइयों का संघ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों का संघ, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन। सॉरी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हाँ सही है, तीन ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारत की जनता से और डी कह रहा है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो अपना प्राधिकार है किससे प्राप्त करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता से। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है किसमें, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल या संविधान में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संविधान में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है। देखिए पहला कह रहा है संविधान सर्वोच्च है, और दूसरा कह रहा है संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, और तीसरा कह रहा है संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, और चौथा कह रहा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएँ संप्रभु हैं, पांचवा कह रहा है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पांचों यहां पे आपके कथन सही हैं, बी कह रहा है केवल दो तीन चार, सी कह रहा है एक चार पाँच, और यहां पे डी क्या कह रहा है एक दो और तीन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो एक एक करके हम फिर से पढ़ लेते हैं तभी क्लियर होगा कि इसमें आपका कौन सा कथन सही है। अभी तो हमने केवल ऑप्शन को पढ़ा है, लेकिन अब क्लियरली पढ़ लेते हैं कि इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो एक एक करके देख लेते हैं। संविधान सर्वोच्च है, तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो बिल्कुल सही है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो तीसरा भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, तो ये चौथा गलत है। पांचवा क्या कह रहा है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। यह जो पांचवा स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है, यानी एक दो और तीन यहाँ पे सही है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा, आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया था, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। 3200 प्रश्न कह रहा है, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, कथन ए, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। कारण आर कह रहा है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ए और आर जो दोनों कथन सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या है, और बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं है, ये कह रहा है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर यहाँ पे सही है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ए और आर जो दोनों कथन है वो सही है, और जो आर है वह ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। पहला कह रहा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और चौथा कह रहा है न्याय पुनर्विलोकन, पांचवा कह रहा है अखिल भारतीय सेवा, और छठा कह रहा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल एक तीन और छः, बी कह रहा है दो तीन पाँच, सी कह रहा है तीन पाँच छः, और डी कह रहा है दो चार पाँच। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, ये पूछ रहा है। छः यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से बताना है कौन सा एकात्मक तत्व है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा, एक एक करके देख लेते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये नहीं है, राज्यपालों की नियुक्ति ये आपका हो जाएगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी आपका हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन गलत है, अखिल भारतीय सेवा ये आपका सही हो जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा, दो तीन और पाँच एकात्मक तत्व हो जाएंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख रहा है दो तीन पाँच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएँ ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, दो तीन पाँच है तो यहाँ बी पे मिल रहा है दो तीन पाँच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा कह रहा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तीसरा कह रहा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और चौथा कह रहा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है। पहला दूसरा सही है, या एक दो तीन सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या डी कह रहा है सभी सही है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं। पहला क्या कह रहा है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जो कि सही है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है ये भी करेक्ट है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है ये भी आपका करेक्ट है, और चौथा यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका एक दो तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में तीन सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान।
और तीसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या लिखित संविधान नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केसी वियर ने। 40वां प्रश्न जो कि आज का ये लास्ट वाला प्रश्न है, और इस टॉपिक का भी ये जो प्रश्न है लास्ट वाला है, तो इसके बाद आपका जो ये क्लास है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करिए। वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसे ही आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।